बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पीयूष जैन केस की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरकत शुरू कर दी है। पीयूष जैन के पास से करोड़ों के कैश बरामद हुए हैं। ऐसे में अब ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ईडी बैंक अकाउंट खंगाल रही है ताकि पैसे के पूरे लेन देन के अंतिम छोर का पता लगाया जा सके। साथ ही ईडी जीएसटी के सबूतों को अपनी जांच का हिस्सा भी बनाएगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी जारी है। अब तक 257 करोड़ रुपया कैश बरामदगी हो चुकी है। पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। अब वह कानपुर के काकदेव थाने में जमीन पर लेटा हुआ है। पीयूष जैन पर करोड़ों की हेराफेरी का भी आरोप है। काकादेव थाना कानपुर से ये दृश्य आ रहे हैं, जहां पीयूष जैन जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है। कंबल ओढ़ के अपना चेहरा छुपाकर लेटा तो हुआ है, लेकिन उसके काम पर से पर्दाफाश हो चुका है। 257 करोड़ रुपया कैश, उसके साथ कई किलोग्राम सोना, कई किलोग्राम चांदी सब बरामद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी, सबसे बड़ी रिकवरी इतिहास में वो पीयूष जैन से हुई है। कल तक जिस इत्र व्यापारी को कोई नहीं जानता था, मगर आज वो पूरे देश विदेश में मशहूर हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसके घर से करोड़ रुपया निकलता जा रहा है। यानी कानपुर का धन कुबेर, जिसके पीछे सेंट्रल जीएसटी की टीम, डीजीजीआई की टीम 60 घंटे से लगातार लगी और अपनी पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे किलोमीटर्स भी बढ़ते गए। जहां एक और कानपुर, तो कानपुर के बाद कन्नौज, कन्नौज से को पार करते हुए अभी भी तमाम ऑफिसर्स वहां जुटे हुए हैं। एक के बाद एक खजाने मिलना और एक के बाद एक सोना चांदी मिलना, यानी करोड़ों रुपए के धन कुबेर की अगर बात की जाए तो करोड़ों का धन कुबेर आज जो हमेशा ऐश करता था, आज वो पीयूष जैन बैठा है। देख सकते हैं कि पीयूष जैन से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आप तक दिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो हमेशा ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है। कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। यानी वक्त कैसे करोड़ बदला, और करोड़पति व्यक्ति जिसके घर से बाथरूम, लैट्रिन, डस्टबिन और गार्बेज के अंदर से करोड़ों मिले, वो आज जमीन पर लेटा है। मनीष शुक्ला बीजेपी से और अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले कन्नौज चलते हैं। लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित गंजू भी जुड़ रहे हैं। लोकेश, बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं कन्नौज में? 257 करोड़ रुपए और अब भी गिनती चल रही है, कहाँ कहाँ से मिला है कैश? जी आपको बता दें, मैं पीयूष जैन के पैतृक घर पर इस समय खड़ा हूँ। यहाँ पर टीम जो है अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही साथ में मोटो को एफबीआई की एक टीम आई हुई, 8 लोगों की टीम है और 3 मशीन लेकर आई है नोटो को मिलने के लिए, और वो अंदर नोटो की गिनती चल रही है। बराबर नोट गिने जा रहे हैं, इनकी आवाज बाहर आ रही है। जैसे जैसे नोट की गिनती शुरू हो रही है, वैसे वैसे पीयूष जैन का दिल भी धड़क रहा हुआ, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि इतनी इस घर में इतनी बड़ी बरामदगी होगी। अगर लोगों की माने तो करोड़ों रुपए इस पीयूष जैन के घर से बरामद हुए हैं। जहां तक बात है सोने की, सोना अभी कितना, सोने सोना मिलने की अभी तक यहाँ का है घर से कोई जानकारी नहीं आ पा रही है कि यहाँ काफी भारी मात्रा में सोना मिला, लेकिन नगदी जो है वो करोड़ों की तादाद में है और उसको गिना जा रहा है। जी, तो कन्नौज में अभी भी गिनती चल रही है। अमित गंजू वहां पर हैं, जहां अभी फिलहाल काकादेव जेल में कानपुर में ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पीयूष जैन जमीन पर लेटा हुआ, कंबल ओढ़े, चेहरा छुपाया हुआ बैठा है। अजीज खान और मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आप दोनों को मेरा नमस्ते। अजीज खान जी, ये परफ्यूम तो थोड़ा महंगा ही पड़ गया लग रहा है। और बीजेपी का जो परफ्यूम है वो सुगंध नहीं फैलाता है, वो दुर्गंध फैलाता है।
और आज दुर्गंध पूरे देश में लोगों को एहसास हो रहा है, दुर्गंध फैल रहा है। ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे साहब कि नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, अब तो काला बाजारी खत्म, अब तो काला धन खत्म। ये काला धन कहां से निकल रहा है, जवाब देना। यूपी में जो भ्रष्टाचार और काला बाजारी का जो डबल इंजन चल रहा है, वो डबल इंजन जो है वो फेल हो चुका। जो महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी है बड़े स्तर पे, वो ऐसे ही कारोबारी, ऐसे उन्हीं के पास पैसा आज जमा है, रखा है गोदामों में, दराजों में रखा हुआ है। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। मैं कहना चाहूं ये व्यापारी कौन है, जरा इसके बारे में हम पड़ताल कर लें। पड़ताल किया गया, ये व्यापारी चंदा देता था बड़े स्तर पर और बीजेपी से बड़ा कनेक्शन था। आज जब चंदा ज्यादा मांगा गया, चंदा कम मिला, तो कार्रवाई हो गई। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए ना उसका प्रूफ है, पर प्रूफ है 19-20 में जो चंदा मिला 2500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बांड से बीजेपी को मिला। उसके बाद 18-19 में 1470 करोड़ रुपए मिला था। सवाल इस बात का 76% चंदा कैसे बढ़ा ऐसे ही दबाव बना करके। ये चंदा का खेल, ये चंदा जीवी लोग हैं। और जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, वो दावे कहां गए, सब मैं जानना चाह रहा हूं। अब तो दुर्गंध फैल रहा है इस चित्र का। नरसिम्हन जी जी, अजीज खान साहब, आपने देखिए परफ्यूम लॉन्च आपकी पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन दुर्गंध बीजेपी फैला रही है। और ये देखिए 257 करोड़ रुपए की करवट तो बहुत महंगी करवट है। मनीष शुक्ला जी, कई आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि भाई आप ही के शरण में थे, आप ही के छत्र छाया में ये पल रहे थे, इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो आपने छापे मरवा दिए, कह रहे हैं अजीज खान साहब। चलिए आनंद जी, कम से कम अखिलेश यादव प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि क्यों छापा पड़ा है, नहीं तो ये भी कर डालते अब तक। देखिए, इत्र बना रहे हैं समाजवादी पार्टी का, व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी, किससे बड़ा विरोधाभास कोई हो सकता है। अभी जब इसके पहले आईटी की रेट पड़ी थी कुछ लोगों के ऊपर, तो छाती कौन पीट रहा था, अखिलेश यादव पीट रहे थे, अरे अभी तो जीएसटी है, अभी तो सीबीआई है, अभी तो ईडी है। मेरी बातों को शब्दशः मत लीजिएगा, चोर को ही पता होता है कि पुलिस कभी भी आ सकती है। और अखिलेश यादव का जो रोना था ध्यान में आ गया, क्यों रो रहे थे, क्यों छाती पीट रहे थे, क्यों परेशान थे। ये जो कन्नौज वाले इत्र वाले हैं, इससे लोगों को समझ में आ गया। देखिए आनंद जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। नोटबंदी का विरोध कौन कर रहा था, अखिलेश यादव? नकदी लेन देन चलती रहे और प्लास्टिक मनी का उपयोग न हो, इसकी मांग कौन कर रहा था, अखिलेश यादव? आईटी रेट का विरोध कौन करते हैं, अखिलेश यादव? जमीनों को कब्जा कौन कराते हैं तीख मुख्तार से, अखिलेश यादव? इस तरह के जितने भी धंधे हैं, चाहे वो जमीनों का कब्जा हो, दुकानों का कब्जा हो, या भ्रष्टाचार का विषय हो, या कोई संवैधानिक संस्था जब अपना काम करती है, तो ये कहते हैं कि चुनाव है भैया, चुनाव है। देखिए, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हवाला देता है, कोई जमीन और नकदी का हवाला देता है, लेकिन सवाल तो मेरा ये है कि कन्नौज के एक व्यापारी के पास उसके घर से 257 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पांच सेकेंड, ये किसके पैसे हैं? जी, मेरा बस एक सवाल है कि चुनाव है, चुनाव के दौरान आईटी न रेट डाले, ईडी न रेट डाले और तमाम संस्थाएं रेट न डाले। अभी 5-6 दिन पहले किसका बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया ना, अकेले वही नेता थे जो कह रहे थे कि चुनाव को देख के पड़ रहा है। तो आज जब पढ़ के निकल गया सामने, तो स्वीकार करो जो तुम्हारे साथ था उसको भी छोड़ दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं, पर है ये तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि ये पैसा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से किसी तरह जुड़ा हुआ है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कन्नौज का एक व्यापारी अगर 40 कंपनियां फर्जी खोल के 257 करोड़ रुपए और कई किलोग्राम सोना और चांदी लेकर बैठा है, तो कहां कहां पर लोग कितना कैश लेकर बैठे हैं, अजीज खान जी? जी 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 नरसिम्हन जी, वही मेरा सवाल था। शासन सत्ता में केंद्र से लेके स्टेट में ये बैठे हैं, सवाल समाजवादी कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, समाजवादी इत्र पम्मी जैन ने बनाया था, और पीयूष जैन और पम्मी जैन में कोई कनेक्शन नहीं है। आनंद नरसिम्हन का रिश्तेदारी कोई जरूरी नहीं पीवी नरसिम्हन से हो। नरसिम्हन लग जाने से इसका मतलब नहीं रिश्तेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साहब, हमारे नेताओं के यहाँ इन्होंने छापा मारा, जब 17,000 रुपए मिले ये फ्रस्ट्रेट हो गए, कहीं ना कहीं ये निकल करके आया जो इनके कारोबारी है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको एहसास हुआ। और ये जरा बताएं कि उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक इनकी सरकार है, ये पैसे कैसे निकल रहे हैं, इसका जवाब देना। या आरोप तो अनर्गल लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी, इनको शर्म नहीं आ रही है, समाजवादी से क्या लेना देना भाई। पम्मी जैन हमारे इस वक्त एक बड़ी बड़ी खबर आ रही है।